अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? फसिया नसीम। फसिया, आप क्या करती हैं? मैं टेक्सटाइल डिजाइनर हूँ। हो जाए सवाल। और मेरा सवाल आपसे ये है कि आप हर टाइम मुस्कुराते क्यों रहते हैं? मतलब आप सोच क्या रहे हैं कि आप हर टाइम मुस्कुराते रहते हैं? ऐसा क्या सोच रहे हैं सर कि हर वक्त तबस्सुम? तबस्सुम क्यों रहता है आपके चेहरे पे? मेरा मतलब आप पाकिस्तान के बारे में कुछ सोच रहे हैं, तो आप क्या सोच रहे हैं? मैं आपको बताऊं, जिंदगी में मैं इंतहाई कम मुस्कुराया हूं। ओके। हालात ने, ट्रेजडीज ने हमारे चेहरे से, हमारे ओंठों से मुस्कुराहट छीनी हुई है। और मैं आपको अल्फन कहता हूं कि जब भी मुस्कुराता हूं, अमूमन झूठ मूठ लोगों को हौसला देने के लिए हम ये करते हैं। मेरा ख्याल है मुस्कुराना एक नियामत है, कुछ लोगों को अल्लाह ने ये फराम की हुई होती है। अल्लाह करे हमारे चेहरों पे भी आए। एक बार मुस्कुरा के दिखा दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है दोस्त? जाम तनवीर। तनवीर भाई क्या करते हैं? मैं BScS कंप्यूटर साइंस। हो जाए मुकाबला, लगाते हैं दांत। सर मेरा आपसे सवाल है सर, हर किसी को सर जिंदगी में ना कभी मोहब्बत ज़रूर होती है सर, तो सर कभी आपको किसी से हुई हो? मुझे अपने बच्चों से बड़ी मोहब्बत है। सर तो मोहब्बत आपको बच्चों के, बच्चे जब हुए तब मोहब्बत, उससे पहले कभी आपने मोहब्बत नहीं की? नहीं मोहब्बत नहीं की आप? मोहब्बत हमारे दौर में हम नहीं जानते थे कोई मोहब्बत कोई चीज़ होती है। एंजेलिना जूली का पता था लेकिन? एंजेलिना जूली, देखिए वो जो सवाल है ना वो मोहब्बत का कर। हाँ हाँ हाँ। एक होता है खूबसूरत लोगों को की सताइश करना, ठीक है। मेरा ख्याल है ये हर बंदा, हर इंसान वो खूबसूरती को पसंद करता है, तो वो एक अलग अमर है, ठीक। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? अज़का ईमान। अज़का, आप क्या कर रही हैं? फैशन डिजाइनिंग। फैशन डिजाइनिंग, हो जाए। देख रहे हैं आप क्या स्मार्टली ड्रेस गेस्ट हैं आज जी। अच्छा, दुनिया में बहुत से नोबल प्रोफेशंस हैं, लेकिन हमने किसी बच्चे को ये कहते हुए नहीं सुना कि मैंने बड़ा होकर पॉलिटिशियन बनना है, ऐसा क्यों? सर ये तो बड़ी अच्छी बात की अक्सर ने। जो पॉलिटिक्स पाकिस्तान में है ये 90% गलाजत का ढेर है। कोई पॉलिटिक्स तो नहीं है ना, खींचतानी है, बदनीयती है, बुग़्ज़ हैं, ज़ाती मफादात हैं। मैं तो सियासतदान कभी था ही नहीं, ये तो अभी आके मैंने देखा। और पराए अपने सब लगे होते हैं एक दूसरे के गिराने में जी। लिहाजा सियासत जो है, मैं तो, इट वॉज नॉट बाई चॉइस। खान ने मुझे कहा इलेक्शन लड़ो, और मैं तो इलेक्शन भी नहीं लड़ना चाहता था, और खान साहब की वजह से सियासत में हम हैं। और शनाख्त हुई, हमें इलम तो नहीं था ना कि हम जो स्ट्रगल करेंगे, कन्वेंशन जलसे जुलूस लोगों को उठाएंगे तो इतनी कबूलियत होगी। लेकिन जिस सियासत को मैं समझा हूँ, मैं, मेरी नस्ल, मेरी औलाद जो है, कभी मैं नसीहत नहीं करूँगा कि वो सियासत में आए। खान साहब कहेंगे तब भी नहीं भेजेंगे? नहीं, खान साहब जो हैं वो किसी पे अपने फैसले थोपते नहीं हैं। अच्छा। हाँ, वो बिल्कुल आपको हमेशा बड़ा कन्वीनियंटली आपको माहौल देते हैं, और खान साहब की ख्वाहिश का हमेशा मैं एहतराम करते हैं। लेकिन मैंने अपनी औलाद को तो कहा हुआ है कि जो जिसने जो करना है बने, कोई सियासत में जाना चाहता है, लेकिन मैं किसी को भी एडवाइस नहीं करूंगा।